हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन देखी थी। आज हम उसके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर है रेयोन। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेयोन से। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आपने जो है सिल्क फाइबर के बारे में पहले 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, जो कि सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होती है और जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना के अंदर। नाउ फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अब जो भी सिल्क फाइबर है जो कॉस्टली होता है, ठीक है, तो बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरी बॉडी। अब क्या होता है, वो देखने से ही सबको एकदम से अट्रैक्ट कर लेता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है देखने में। अटेम्प्ट फॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली, ठीक है, अब वो नेचुरली ऑब्टेंड होता है लेकिन इसको हम आर्टिफिशली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिल्क। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ऊपर काम किया सर्च करना कि हम सिल्क को आर्टिफिशली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी हो गए कि सिल्क को आर्टिफिशली किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, तो वो वुड पल्प के थ्रू भी केमिकली जो है ऑब्टेन कर सकते हैं हम। दिस फाइबर वॉज कोल्ड रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो सिल्क हमने मतलब जो सिल्क है वो सिल्क फॉर्म से मिलता था लेकिन जो हमने आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया उसका नाम हमने रख दिया आर्टिफिशियल सिल्क, या फिर आप उसे रेयोन भी बोल सकते हैं। ऑल्दो रेयोन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैनमेड फाइबर, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, वुड पल्प मतलब नेचुरल किसी चीज़ से ही ऑब्टेन कर रहे हैं लेकिन इसे हम बोलते हैं मैनमेड फाइबर। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये जो सिल्क फाइबर जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है उससे बहुत सस्ता भी है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। अब इसे हम डाई भी करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर, कोई भी कलर आप इसे डाई कराना चाहें करा सकते हैं। रेयोन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब रेयोन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करें तो बेडशीट्स बना सकते हैं, और रेयोन को अगर हम वूल के साथ मिक्स करें तो उसके कारपेट्स बना सकते हैं। अब नीचे आप कुछ इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे रेयोन का यूज़ होता है, जैसे कि आप कपड़ों में देख रहे हैं, कारपेट भी देखे होंगे आपने। तो ये जो फिगर 3.2 है इसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स हैं रेयोन के, ठीक है। तो ये तो था रेयोन के बारे में। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं बी पार्ट, नायलोन के बारे में। ये भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर ही होता है। सो नायलोन इज अनदर मैनमेड फाइबर। ये क्या होता है, मैनमेड फाइबर होता है। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड दैट इज आर्टिफिशियल। तो नायलोन क्या होता है, मैनमेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल दैट इज फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो इसे किस तरह से प्रिपेयर किया गया था, कोल वाटर एंड एयर का यूज़ करके। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब जो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो फुली सिंथेटिक था, जिसके अंदर कुछ मिक्स नहीं था, ठीक है। नायलोन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब नायलोन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट होते हैं। लाइट मतलब लाइट वेट। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ठीक है, शाइनी भी होते हैं और ईजीली उसको वॉश भी कर सकते हो। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब देखो नायलोन के क्लॉथ्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा रैकेट्स, टूथब्रश होता है जो उसके अंदर, टूथब्रश के अंदर जो भी उसके हेयर्स होते हैं टूथब्रश के, वो नायलोन से बनते हैं। सॉक्स होती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है, वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलोन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जिनमें नायलोन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप आर्टिकल्स भी देख सकते हैं, कुछ फ्यू एग्जाम्पल जैसे सॉक्स दिखा रखी हैं, रोप दिखा रखे हैं, टूथब्रश, कर्टेन। सो नायलोन इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। तो नायलोन का यूज़ पैराशूट्स में भी हो सकता है, आप फिगर यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ ऑफ नायलोन फाइबर्स, किस तरह से पैराशूट में इसका यूज़ हुआ है, एंड रॉक क्लाइंबिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम। सो अ नायलोन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, मतलब स्टील की वायर से भी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक बार देख लेते हैं।
टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर 3.5. तो इस तरह से एक सेटअप करना है. एट द फ्री एंड सस्पेंड एंड अ पैन सो दैट वेस्ट कैन बी डिस्प्लेड इन इट. ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने डालना है जिससे जो वेट है मतलब बैलेंस करने के लिए कुछ. एड वेट्स वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स, मतलब इतना ज़्यादा वेट डालना है कि जब तक थ्रेड जो है वो टूट ना जाए. नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड. अब ये देख नोटिस करना है कि कितना हमने वेट डाला जिसके बाद ये थ्रेड टूटा. उससे ये पता लग जाएगा कि ये कितना ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन. ठीक है, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. ठीक है, उससे इसकी बेसिकली फाइबर की स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कि कितना ये स्ट्रॉन्ग है. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल्स, वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन. मतलब सेम एक्टिविटी जो हमें रिपीट करनी है वूल के साथ, पॉलिएस्टर के साथ, सिल्क के साथ, नायलॉन के साथ. इंच द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन टेबल है 3.2. यहाँ पर चार जो है हमने थ्रेड ले रखे हैं, चार टाइप के फाइबर्स, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन. टोटल वेट रिक्वायर टू ब्रेक द थ्रेड, तो ये तो आपको एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी. आप एक्टिविटी खुद कर देखना कि किस तरह से जो यहाँ पर 3.1 में किस तरह से स्टैंड लेना है, किस तरह से इसकी अरेंजमेंट करनी है, और उसके बाद ये देखना है कि कितना वेट जो है लगा कॉटन को ब्रेक करने में, वूल को, नायलॉन को और सिल्क को. तो उससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो फाइबर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब वीक है. ठीक है, सो यू मे यूज़ अ हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड. इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स, पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज. जरूरी नहीं है कि आपको वेट्स के लिए मतलब पर्टिकुलर कोई वेट के लिए, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा सब्जी वगैरह जैसे तोलते हैं तो वही आपको वेट के लिए लेना है. आप मार्बल्स भी ले सकते हैं, पत्थर, पेबल्स, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन लिखी हुई है. नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस. ठीक है, तो आपको सेम लेंथ के ही थ्रेड लेने हैं और सेम थिकनेस होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन जो फाइबर है वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग. सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने नायलॉन और रेयन फैब्रिक के बारे में पढ़ा है. सिंथेटिक फाइबर दो टाइप्स के पढ़े हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.